तो जैसा कि आप जब देख पा रहे हैं, हमारे पास जो मॉडल है ये कैनन का है, कैनन G2012, ठीक है फ्रेंड्स, 2012। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा सा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ से देते हैं प्रिंट आउट, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी, प्रिंटर प्रॉपर्टी, और ये हो गया टेस्ट प्रिंट। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं इसमें जो है ब्लैक बिल्कुल भी नहीं छपा है, कोई भी ब्लैक प्रिंट इसने नहीं किया है। और कलर भी फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ब्लू है और येलो है, और ये जो ग्रीन बनाया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है रेड नहीं आ रहा है और ब्लैक नहीं आ रहा है। तो पेपर को हम वापस यहाँ रख देते हैं, ठीक है, और इसमें देखते हैं फ्रेंड्स इसमें दिक्कत क्या हो रही है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें जो है पाइप में बिल्कुल भी इंक नहीं है, और ये जो है पूरी तरीके से एयर ले लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपके प्रिंटर में भी इसी प्रकार से कलर छोड़ रहा है और इंक का प्रॉब्लम देख पा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको जो है क्या करना पड़ेगा, प्रिंटर को सबसे पहले करते हैं बंद, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये जो सेटिंग का जो बटन है इसको एक बार प्रेस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये सेटिंग का आ गया है, देख पा रहे हैं ये। इसके बाद फ्रेंड्स हमको यहाँ 10 होना है, 10 बार इसको दबाना है, 10 बार, ठीक है फ्रेंड्स, 1 ये हो गया, 2 हो गया, बल्कि प्रेस हम ऑन किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 2, 3 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है फ्रेंड्स, 10 इसको प्रेस करने के बाद हमको ये जो कलर वाला जो ये स्टार्ट बटन है इसको एक बार प्रेस कर देना है। अब ये थोड़ा सा इनिशियलाइज करेगा फ्रेंड्स, कट पिट कट किट करेगा। थोड़ा सा स्लाइज करेगा फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं अभी इसमें इंक चढ़ रहा है, दो पाइप में इंक चढ़ गया है। थोड़ा सा टाइम लगा फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आपको प्रिंटर भी इसी प्रकार से करना है फ्रेंड्स। इस सीरीज का कोई सा भी प्रिंटर हो फ्रेंड्स उसको इसी प्रकार से करना है, और इसी प्रकार से इंक चढ़ेगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स इंक कैसे चढ़ रहा है, देखिए, ये देखिए अभी येल्लो आ रहा है, रेड भी आ रहा है, वाह क्या नज़ारा है। देख पा रहे फ्रेंड्स पूरी तरीके से इंक जो है चार्ज हो चुका है, और ये थोड़ा सा अपना जो भी एन स्लाइज है थोड़ा सा करेगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा हो सकता है 2-4-5 मिनट लगे, तो हमको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट करना है। और इसको बंद कर देता हूँ, मुझे जो दिखाना था आपको दिखा चुका। और फ्रेंड्स ये इनिशियलाइज करने के बाद ये रेडी मोड पे आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, रेडी मोड पे आएगा, यहाँ 1 लिखा जाएगा, उसके बाद हम प्रिंट करके एक बार चेक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स अभी आपका काम का ये ना हो, पर हाँ फ्यूचर में आपका काम ज़रूर आएगा, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं टकराएगा ज़रूर, और आपके पास अगर ये नॉलेज होगा ये ज्ञान होगा तो आप वहाँ ये सॉल्यूशन करके थोड़ा सा हीरो बन सकते हैं, या फिर अपना जो भी प्रॉब्लम में फंस रहे हो आप सही कर सकते हैं। कहीं भी दुकान में देने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी शॉप में देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, आप खुद से बनाएंगे तो जो भी आपका कुछ पैसा बच जाएगा। देख पा रहे फ्रेंड्स ये रेडी हो गया है, और इसके बाद एक बार सिस्टम से हम प्रिंट देते हैं और देखते हैं सारा कलर आया कि नहीं आया। ओके, ये हमारा पुराना प्रिंट आउट है फ्रेंड्स, नया पेज में करते हैं इसको, साइड कर देता हूँ। पेज ले लिया है फ्रेंड्स,
वाओ, वेरी नाइस। देख पा रहे फ्रेंड्स, हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया है। पहले प्रिंट हमने दिया था, देख पा रहे फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कलर नहीं आ रहा था, बस ब्लू कलर आया था और थोड़ा सा ग्रीन बनाया था, और ये जो है येल्लो आया था। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इसने जो है ये रेड कलर को छोड़ दिया पूरी तरीके से, देख पा रहे हैं, और ये जो है हमारा ब्लैक। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो कलर जो है ये मिस हो गया था, और पाइप में जो है पूरी तरीके से एयर ले लिया था, प्रिंट आउट बिल्कुल भी ठीक से नहीं आ पा रहा था। तो हमने इंक चार्ज करना आपको बता दिया है, आपने सीख गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर थोड़ा सा भी आपने सीख पाया है मेरे इस वीडियो से तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, और हाँ लाइक ज़रूर कीजिएगा।